हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो है गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम n, और साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हो। तो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम क्यों, तो क्या कहते हैं कि हमारे पास px डिविडेंड है, gx डिवाइजर है, qx कोशेंट है, और सोल्व करने के बाद rx रिमाइंडर है। तो क्या होता है कि px दैट इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाइड बाय qx प्लस rx। तो ये तो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम है, ये तो सेटिस्फाई करता ही हो। साथ में क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ px, फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें कि डिग्री ऑफ px, पॉलिनोमियल px की जो डिग्री है, और जो डिग्री है पॉलिनोमियल qx की, वो सेम हो। डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, तो दोनों की जो डिग्री है वो सेम हो, ये हमें ऐसे पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल देने हैं। तो प्यारे बच्चों, एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इस तरह के अनेक आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, तो आप उनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। और यहां पर जैसे अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है डिग्री की, कोई भी पॉलिनोमियल है हमारे पास, पॉलिनोमियल है कोई भी, सपोज करो 3x^4 -7x^5 +8x+9, इस पॉलिनोमियल में ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या होगी, इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है x, इसकी जो हाईएस्ट पावर है, इसकी हाईएस्ट पावर 5 है, तो इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी, 5 होगी। मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमें देखनी है, ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है। अब सपोज करो हमारे पास x^7 +3x^6 +7 है, तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 7 है। ठीक इसी तरह से अगर हम सिर्फ 5 लिखते, 5 एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसके साथ हम x^0 लिख लेंगे, तो इसकी जो डिग्री है, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि x^0 कितना होता है, 1 होता है, तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 1, और 1 को लिख दिया x^0। अब ये पॉलिनोमियल टाइप का हो गया, और जो डिग्री है इसकी कितनी होगी, 0 होगी। तो जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है, अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल, यहाँ पे फिर एक बात रिपीट कर रहा हूं मैं कि आपके जो आंसर है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे आपके आंसर हो सकते हैं। हमें ऐसे पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं जिसमें डिग्री px की और डिग्री qx की क्या हो, सेम हो। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, px ले लेते हैं 2x² +7x+8, और gx जिससे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइजर ये ले लेता हूं मैं 2। अब देखो डिवाइड करो 2x² +7x+8, जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो किस पे करेंगे, पहले x² से, तो ये 2x² हो जाएगा, माइनस से ही कैंसिल हो जाएगा, 7x+8 रह गया। अब 2 से हमें कितना बनाना है, 7x बनाना है, तो 2 से हमें 7x बनाना है, तो 2 से 7x बनाने के लिए मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं 7/2x से। देखो 2 की जब 7/2x से करेंगे तो कट जाएगा, तो 7x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7x, और जब बस इतना ही अभी, तो क्योंकि एक ही टर्म है हमारे पास, ये माइनस करेंगे
तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, और 2 की 4 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा 0। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो px है, px वो है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, जो gx है वो है 2, और जो qx है कोशेंट x स्क्वायर प्लस 7 बाय 2x प्लस 4, और जो rx है, जो हमारे पास rx है, rx रिमाइंडर वो हमारे पास है 0। तो ये अब आप चेक करें कि सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं कंडीशन। तो उसने कहा था कि डिग्री px की और डिग्री qx किसे होनी चाहिए, जो px की डिग्री है, क्लियरली डिग्री px दैट इज इक्वल टू डिग्री qx कितनी है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, दैट इज इक्वल टू 2। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हैं जिसमें जो डिग्री है वो सेम रहे, किसकी, px की भी और qx की भी। अब देखो डिविडेंड और कोशेंट की डिग्री सेम होगी जब आप कॉन्स्टेंट से डिवाइड करोगे, तो आप कॉन्स्टेंट कुछ भी ले लें, 2 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, जो मर्जी कॉन्स्टेंट ले लें, तो जो आपकी डिग्री है वो कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी। ऐसे बहुत सारे आंसर आपके हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। यहां पे अगर हम फर्स्ट पार्ट के लिए यहां लिख देते हैं कि फर्स्ट पार्ट के लिए हमने px लिया है, px हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, और gx हमने ले लिया है 2। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास कोशेंट आ गया, कोशेंट हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाय 2x प्लस 4, और rx आ गया 0। और यहां से जो कंडीशन थी, जो हमारे पास कंडीशन थी कि डिग्री, दिस इंप्लाइज डिग्री px दैट इज इक्वल टू डिग्री qx, तो ये हमारे पास हो गया ये फर्स्ट पार्ट। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट की, सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो कंडीशन है इसमें कहा गया है कि डिग्री qx की, सेकेंड पार्ट में हमें चाहिए कि डिग्री कोशेंट की और डिग्री रिमाइंडर की ये सेम रहनी चाहिए। अब आप देखिए हम px ले लेते हैं कुछ भी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और हमने gx ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया, आपकी मर्जी, कुछ भी ले लो इस तरह से, मतलब थोड़ा रेलिवेंट हो। अब आप देखो यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स क्यूब है, तो एक्स से इसको कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जब हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 से करेंगे तो एक्स पे चला जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब हो जाएगा क्योंकि एक्स क्यूब बनाना ये एक्स स्क्वायर है, इसके साथ करेंगे तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये तो कैंसिल, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स 2x और प्लस 1, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो 1 पे कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस 1 हो गया, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो यहां पे आ गया 2x और प्लस 1, और 1 कितना हो गया 2। अब आप देखिए कि हमारे पास जो px आ गया, हमें क्या चाहिए था सेकंड में, डिग्री qx, कोशेंट आ गया हमारे पास qx, हमारे पास आ गया कोशेंट पॉलीनोमियल, हमारे पास आ गया कोशेंट है x प्लस 1, और rx रिमाइंडर है हमारे पास 2x प्लस 1। अब देखो डिग्री qx 1 और डिग्री rx ये भी 1, तो क्लियरली
डिग्री क्यू एक्स दैट इज इक्वल टू डिग्री आर एक्स, क्यू एक्स की और आर एक्स की डिग्री है वो सेम हो, ये हमारे पास हो गया पार्ट सेकंड। तो इस तरह से आप ले लो, मान लो यहां पे आप यहां से जब देखो एक्स की है ये एक्स क्यूब है, तो इसको तब तक डिवाइड करेगा कि जब आर एक्स की डिग्री डिवाइजर से छोटी होती है, तो ये स्क्वायर है तो एक कम करेंगे तो एक्स रह जाएगी, और देखो एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब है तो एक्स से ही करना पड़ेगा, तो यहां भी एक्स की पावर 1 आएगी और यहां पर भी एक्स की पावर 1 आएगी। तो ये आपको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो यहां पर हम सेकेंड पार्ट के लिए लिख सकते हैं कि हमारा जो पी एक्स आया है, पी एक्स हमने लिया है वो लिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जी एक्स हमने लिया है, जी एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्यू एक्स हमारे पास आ गया है क्यू एक्स कोशेंट एक्स प्लस 1, और आर एक्स हमारे पास आ गया है रिमाइंडर 2x प्लस 2। इंप्लाइज यहां से जो डिग्री है किसकी चाहिए थी हमें, क्यू एक्स की और डिग्री आर एक्स की, डिग्री आर एक्स की, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। ठीक इसी तरह से अगर बात करें थर्ड पार्ट की, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके। थर्ड पार्ट में उसने क्या कंडीशन लगाई है कि डिग्री आर एक्स की, आर एक्स की जो डिग्री है वो जीरो हो, आर एक्स की डिग्री जीरो हो, डिग्री किसकी जीरो होती है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की, और आर एक्स का मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर पे एक्स की कोई टर्म नहीं बचनी चाहिए, कुछ भी बचता है कॉन्स्टेंट बच जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, आप यहां पे पी एक्स ले लें, कोई भी क्वाड्रेटिक ले लें, क्यूब ले लें, तो चलो क्यूब ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 ये ले लिया, और हमने जी एक्स ले लिया, जी एक्स हमने ले लिया एक्स माइनस 1, कुछ भी आप ले सकते हैं, यहां पे लीनियर टर्म ले लिया यहां पे। अब यहां पे आपको देखो किस तरह से करेंगे, ये है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, यहां पे x माइनस 1, अब x क्यूब है, x है तो x स्क्वायर से कर लेंगे, x स्क्वायर से किया तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर, तो ये माइनस और ये प्लस, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर और ये 1x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर, 3 और 1 4, तो ये 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 हो गया। अब यहां x है, यहां 4x स्क्वायर है, तो 4x पे कर लेते हैं, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4x, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x, तो ये माइनस और ये प्लस, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, हमारे पास माइनस 2x प्लस 7 रह गया, यहां x है यहां माइनस 2x, तो माइनस 2 पे कर लेते हैं हम, तो माइनस 2x और ये प्लस के 2 हो जाएंगे, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, इसके साथ ये कैंसिल कर दिया, तो 5 बच गया हमारे पास। अब देखो हमारे पास पी एक्स आ गया, जी एक्स है, कोशेंट पॉलिनोमियल हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 और आर एक्स, आर एक्स रिमाइंडर पॉलिनोमियल 5 है, 5 एक कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1 और इस 1 को लिख सकते हैं एक्स रेस टू पावर 0, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। तो हम लिख देंगे कि क्लियरली डिग्री आर एक्स, तो आर एक्स की डिग्री कितनी है, जीरो है। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट। अब देखो प्यारे बच्चों, इसके लिए कैसे सोचा मैंने, हमारे पास एक रिमाइंडर थ्योरम होती है, रिमाइंडर थ्योरम में जब हमने इसको इससे डिवाइड किया, ये लीनियर टर्म है, इसको मैं अगर जीरो के साथ इक्वेट करूं एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 1, आप इसमें एक्स की जगह पे 1 रख दे, 1 का क्या है हमारे पास, ये एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, x की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 3 इंटू 1 स्क्वायर वो भी 3 आएगा, माइनस 6 इंटू 1 6 आएगा, और प्लस 7 7 और 3 10 और 1 11 11 माइनस 6 5, तो ये 5 ही तो है हमारे पास, तो ये रिमाइंडर थ्योरम है। तो मैंने अपने माइंड में ये आपके पास 9th क्लास में सेकंड चैप्टर में थी,
तो उसको अपने माइंड में रख के मैंने इस तरह से जो जी एक्स है वो एक लीनियर पॉलीनोमियल ले लिया ताकि इसको जीरो के साथ इक्वेट करके एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और वो एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट करता हूं तो मुझे पता चल जाएगा रिमाइंडर क्या आएगा। अगर मैं ऐसी वैल्यू पुट करूंगा लीनियर टर्म लूंगा यहाँ पे अगर मैं लीनियर लेता हूं तो पक्का यहाँ पर कॉन्स्टेंट बचे देखो क्योंकि जो आर एक्स की डिग्री होती है आर एक्स की डिग्री जी एक्स से छोटी होती है। अब आर एक्स की डिग्री वन है तो इससे छोटे तो डिग्री जो होगी वो जीरो ही हो सकती है ना। आर एक्स की जो रिमाइंडर पॉलीनोमियल होता है उसकी जो डिग्री है वो जी एक्स डिवाइजर पॉलीनोमियल से छोटी होती है। अब जब मैंने डिवाइजर ही डिग्री वन का ले लिया तो इससे छोटी तो अगर जीरो ही बनेगी डिग्री तो उस कॉन्सेप्ट को भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट थर्ड। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कम्प्लीट हो जाता है और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 2.3 कम्प्लीट हो जाती है और हमारा जो चैप्टर है सेकेंड चैप्टर पॉलीनोमियल्स यहाँ पे वो कम्प्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।